वेलकम टू माई चैनल। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मा गर्म कॉफी की रेसिपी। ठंड में अगर गर्म गर्म कॉफी मिल जाए तो बात ही क्या है, और वो भी एकदम झाग वाली। जैसे मशीन में झाग होते हैं एकदम वैसे झाग बनेंगे, जिस तरह से मैं आपको कॉफी सिखाऊंगी। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल बीट वाला तरीका तो है, लेकिन लास्ट में मैं इसमें कुछ एडिशनल ऐड करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करेगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 10 ग्राम्स कॉफी मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो कोई भी कॉफी ले सकते हैं। मैंने 10 ग्राम का सेशे था वही कॉफी इसमें डाली है। अब इसमें हम मिलाएंगे चीनी। ये 10 ग्राम कॉफी में 3 कप जो है कॉफी बन जाएगी अच्छी वाली, मतलब ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना बहुत ज्यादा लाइट, थोड़ी सी स्ट्रांग ही बनेगी, वो अच्छी लगती है। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी। चीनी मिलाऊंगी मैं इसमें 4 छोटे चम्मच, 4 टीस्पून, क्योंकि 3 कप कॉफी बनेगी इसलिए। अब हम मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा दूध। आपको स्टार्टिंग में दूध बहुत कम डालना है ताकि ज्यादा ना डल जाए। इतना सा देखिए, बस 1 चम्मच के करीब दूध डालेंगे। अब इसको हमने फेंटना है। थोड़े से दूध की जरूरत और है। अभी हमने दूध इसमें धीरे धीरे करके मिलाना है। थोड़ा सा और मिलाती हूँ दूध, थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे इसमें। एकदम से सारा कर देंगे तो वो नहीं बन पाएगा अच्छे से, फेंट नहीं पाएंगे आप इसको। मैंने इतना दूध और मिलाया है। हमने इसको तब तक फेंटना है जब तक कि इसका कलर जो है वो लाइट नहीं हो जाता और ये फ्लफी नहीं हो जाता, फिर इसका टेक्सचर फ्लफी और क्रीमी नहीं हो जाता, तब तक इसको फेंटते रहेंगे हम। देखिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ये एकदम डार्क ब्राउन था, अब थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है। हमें और लाइट और क्रीमी करना है तो उसके लिए आपको फेंटते रहना पड़ेगा। जितने अच्छे से आप इसको बीट करेंगे कॉफ़ी को, उतनी अच्छी टेस्टी कॉफ़ी आपकी बन के तैयार होगी। तो चलिए ऐसे करते रहते हैं हम इसको जब तक ये और लाइट नहीं हो जाता। गाइस मैंने ये अच्छे से बीट कर लिया, आप चाहे तो इसको और भी बीट कर सकते हैं। अब ये लाइट और फ्लफी दिखाई दे रहा है तो अभी के लिए मेरे लिए ये परफेक्ट है। तो चलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में मैं आपको कुछ डिफरेंट तरीका बताऊंगी कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा झाग आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसीजर। अब पैन को मैंने गैस पे रख दिया। अब हमने 3 कप कॉफी बनानी है, क्योंकि एक पाउच में 3 कप कॉफी बनेगी तो मैंने इसमें 3 कप दूध डाल देना है, 3 कप से थोड़ा सा कम। अब ये इसमें हमने बॉयल आने तक इसको पकाना है। जब इसमें उबाली आ जाएगी उसके बाद तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब इसको बॉयल आने देंगे, थोड़ा सा आने देंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। ये मैंने फ्रेश मिल्क लिया है इसके लिए, इसमें ऑलरेडी झाग हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमें करना क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो दूध है गरम, इसको जो मैंने कॉफी बीट करके रखी है उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा। वाह मामा क्या दूध बनाया है। सॉरी गाइस ये मेरे बेटे की आवाज थी। तो अब इसको अच्छे से सारा कॉफी को उस दूध में मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से सारा का सारा। अब ये जो कॉफी बना दी थी हमने, कॉफी में दूध मिल किया था। बेटा एक सेकंड चुप रहो अथर। ये इसमें जो हमने कॉफी में दूध ऐड किया था, अब वो हम इस पैन में ऐड कर देंगे सारी कॉफी। इसको पूरा चम्मच से निकाल लीजिए। अब ये जो बीटर है, हम एक ऐसा बीटर लेंगे ठीक है, और इसको हमने अच्छे से, अब आप देखेंगे इसमें झाग ऊपर तक आ जाएंगे, इससे हम मैक्सिमम झाग लेके आएंगे कॉफी में। देख रहे हैं आपको झाग बनते हुए, इसको अच्छे से हमने बीट करना है। देखिए आपको दिख रहे होंगे इसमें कितने सारे झाग बन गए हैं, जैसे कि ये मशीन की कॉफी हो एकदम। अब मैं आपको इसे कप में निकाल के दिखाती हूँ। आराम से झाग देख पा रहे हैं कि कितने झाग हैं इसमें, इस कॉफी में। तो और ये बनाना बहुत ही इजी है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो खत्म करती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय।